क्या मिला देखो, हिरन आते ही हमें मिल गए जानवर। ये कहाँ गया भाई? मेन दिक्कत ये है कि है दरवाजा, दरवाजा खोलेगा कौन, क्योंकि रात के बज चुके हैं 2:17 हो चुके हैं। हेलो जी, कैसे हो सारे? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। संजय दे? हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया हो? सब लोगों को राम राम, भाई की तरफ से, छोटे भाई की तरफ से। जी, तो, मैं बढ़िया हूँ। आप भाई लोगों से पूछो, भाई कैसे हैं हमारे? तो हम दोनों तो ऐसे घूम रहे थे शहर में, आराम से इधर उधर टाइम पास कर रहे थे। इतने में एक भाई का फोन आ गया कि भाई नैनीताल जा रहा हूँ, तुम्हें बीच रस्ते में बैठा लूंगा और तुम्हें चलना ही चलना है। अब हमने कहा यार क्या करें, मने भी नहीं कर सकते, कुछ खास वाला भाई चारा होता है ना, वहाँ मने नहीं कर सकते। अब हमने कहा चलो ठीक है, हम भी चलते हैं। अब उसको तो टाइम लगता आने में, और हमसे क्या है ना, वेट नहीं होता, इंतजार नहीं होता, उसे आने में 2 घंटे लगते। अब 2 घंटे तक कौन इंतजार करता? अब एक बार घर पे बोल दिया कि हम जा रहे हैं, अब फिर इंतजार नहीं होता, क्योंकि गाड़ी में अपनी लेके जानी ही जानी थी। तो हमने उससे कहा कि एक काम कर, तू हमें नैनीताल मिल, हम तुझे नैनीताल में पहुंच जाते हैं, वहीं मिलते हैं। अब देखो क्या होता है, हम नैनीताल पहुंचते हैं आज या जिम कॉर्बेट स्टे लेते हैं, जहां भी होगा बताते हैं, देखते हैं। क्योंकि अभी भी हम पहुंचे हैं, अभी ब्रिज घाट पहुंचे हैं, गंगा जी पहुंचे हैं, और मोटा मोटा ज्यादा भी नहीं तो अभी 6 घंटे तो लगने लग रहे हैं, और अभी टाइम हो चुका है 11:40। देखते हैं जहां तक भी पहुंचते हैं, ठीक है, जहां तक गाड़ी चलेगी चलेगी, कोई ऐसा तो है ही नहीं गाड़ी चलानी चलानी है, पर आराम से मजे पहुंचेंगे, क्योंकि उन्हें भी 12 बजे वो वहां से निकलेंगे दिल्ली से, तो वो पहुंचते पहुंचते उन्हें भी सुबह के 5-6 बज जाएंगे, और आराम से हम नॉर्मली अगर हम जिम कॉर्बेट भी रुके तो मोटा मोटा हम उन्हें 8-9 बजे तक हम भी पकड़ लेंगे उन्हें। जैसा तो होता बता देते। असल में अपना भाई ये कहता ना कि जम्मू कश्मीर चलो या हिमाचल चलो तो मुश्किल होता जाना, वहाँ बहुत लंबा पड़ जाता है सफ़र। ये तो ये है कि नैनीताल है, यहाँ से हमारे घर से सिर्फ 350 या 300 किलोमीटर पड़ता है, तो यहाँ तो हम जब मर्जी तब चल देते हैं, इतना तो कोई सफ़र नहीं है, 6 घंटे में हम आराम से पहुँच ही जाते हैं। पर कोई नहीं, अब आराम से जा रहे हैं, चले जाएंगे, वहाँ आगे मुरादाबाद आएगा। और अपना भैया पानी यानी लिया, पानी के लिए रुके हुए थे, थोड़ा सोचा पानी यानी ले लें, क्योंकि लंबा है यार आगे का पता नहीं कहाँ पानी मिला है कहाँ नहीं मिला है, तो अपने पहले लेके चलो। मुरादाबाद क्रॉस कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं टांडा की ओर। वैसे मुरादाबाद से 2 रास्ते कटते हैं, या अगर एक तो सीधा चले जाओ तो आप हल्द्वानी से नैनीताल निकल सकते हो, या फिर आप इधर टांडा वाली साइड से निकल सकते हो। अगर हम सीधे निकलते तो हम पे एक ही ऑप्शन बचता कि हमें नैनीताल अभी ही जाना पड़ता, और इधर से हमारे पास 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। हमारा मन होगा तो हम यहाँ जिम कॉर्बेट रुक जाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो हम आगे नैनीताल निकल जाएंगे, क्योंकि अभी भी बहुत टाइम है, क्योंकि एक तो बच चुका है और यहाँ से अभी भी मोटा मोटा आपका 70 किलोमीटर जिम कॉर्बेट बता रहा है, जिसमें कि आपका 1.5 से 2 घंटे तो लगेंगे। तो हम देखते हैं वहाँ पहुँच के कि क्या होता है क्या नहीं होता, जैसे भी होता है हम बताते हैं आगे आपको। मज़ा रात की ड्राइव में ही आता है, दिन की ड्राइव में तो मज़ा आता ही नहीं है। एक तो रात के वक्त आपको स्मूथ ड्राइव मिलती है, आप आराम से चले जाओ, और आपको एक स्पीड अच्छी मिलती है, और आपको जहाँ भी पहुँचना होता है अपनी डेस्टिनेशन पे, आप कम से कम 1 घंटे से 2 घंटे पहले पहुँच ही सकते हैं। एक क्या करोगे, चचा मारोगे, कहाँ चला रहे हो, एक इधर चला रहा है एक इधर चला रहा है, हमें जगह दोगे नहीं दोगे। तो रात की में ना स्मूथनेस बहुत मिल जाती है ड्राइव में, और गाड़ी की स्पीड भी सही आ जाती है। और वरना दिन में तो आप निकलो 2-3 घंटे तो आप लेट पहुँचोगे, पूरा दिन ट्रैफिक, और साथ में वो सूर्य भगवान की जो इतनी किरणें पड़ती हैं ना, गर्मी बेहिसाब, इसलिए सबसे बढ़िया रात का। अब तो हम बटन तो रात के ही शौकीन है भैया समझे, रात के ही ड्राइव रहती है। अधिकतर हम निकलते भी तो रात को ही निकलते हैं, क्योंकि दिन में निकला नहीं जाता, दिन में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है।
गधा देखो, हिरन आते ही हमें मिल गए जानवर। ये कहाँ गया बे? ये चलेगा, चला गया, रहने दे रहने दे। ये रे, क्या बात है। रोजी आ गए अपने होटल। अब मेन दिक्कत ये है कि यहाँ दरवाजा खोलेगा कौन, क्योंकि रात के बज चुके हैं 2:17 हो चुके हैं। अब देखते हैं, दरवाजा खुलवाते हैं, बताते हैं फिर आगे का सीन। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि आप बिना प्लान के किसी ट्रिप पे आओगे ना, दिक्कत ये होती है। अब हमने एकदम रातों रात प्लान तो बना लिया, हमने सोचा जिस होटल में हम हमेशा रुकते हैं उसी में रुकेंगे, हमने उसे फ़ोन भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब यहाँ आके पता चला कि वो तो होटल पूरा पैक है, उसमें शादी है। उसके अलावा आगे पीछे 2-4 होटलों में पूछा, सारे के सारे फुल हैं भाई, आज रखता है रात को यहीं रोड पे सोना पड़ेगा। ये पीछे दिख रही है ना, ये पूरी रोड लग रहा है, यही है, ये वाली, ये रोड। पर कुछ नहीं, यहाँ से नैनीताल ज्यादा नहीं है, 60 किलोमीटर नैनीताल है। सोच रहे हैं कि अब नैनीताल ही रुकते हैं आराम से, वहीं पर ही हमारे वो भाई लोग आ रहे हैं सारे के सारे, वो शाम तक या सुबह तक आ जाएंगे, जैसे भी होगा। अब फिलहाल उधर लेते हैं स्टे और चलते हैं, रास्ता दिखाते हैं तुम्हें नैनीताल का, क्योंकि पहाड़ आ रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं हम भी, एक्साइटमेंट है पूरा। चलो सोचा था कॉर्बेट में जाके रुकेंगे, कॉर्बेट में था फुल हो गया, कोई भी होटल ही नहीं मिला। अब रात के कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। जिस चीज की हमारी मेंबरशिप है ना, मेंबरशिप वालों ने क्या भाई साहब, सॉरी हम आपको जो है अंदर बिल्कुल नहीं ले सकते। गलती हमारी है कि हमने उन्हें बता के नहीं आए कि हम आ रहे हैं। हम एकदम चल दिए, शाम होते ही फोन आ गया, आराम आ गए। अब 3 बज रहे हैं, हाँ, घूम रहे हैं कॉर्बेट की रोड पे नैनीताल, और अभी 40 किलोमीटर रह रहा है, और गूगल मैप बता रही है उसमें भी 1 घंटा 16 मिनट लगेंगे। मतलब आज तो फुल नाइट ड्राइव होगी बे, हैं? मजा आ रहा है भाई। टेंट लगा देंगे जहाँ मन करेगा, टेंट तो यहाँ भी लगा देते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अब हाथ पैर मानना नहीं चाह रहे, सोच रहे हम नैनीताल ही आराम से करें, जो भी करना हो टेंट लगाएंगे या रुक जाएंगे। बैंक पड़ता है यहाँ पे भी। अच्छा, नहीं यहाँ होना नहीं चाहिए था, ऐसी जगह पे नहीं मिलता ना। अच्छा, सुनसान नहीं, जब ढूंढते हैं ना तब नहीं मिलता, अब मिल जाएगा। अब ऐसी चीजें मिलेगी जो तू सोचेगा भी नहीं कि यहाँ ये भी मिल सकता है क्या, जैसे अभी हिरन मिल गए पीछे। शेर की और तमन्ना, शेर की तमन्ना, चलो भगवान पूरी करेगा, शेर भी मिलेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया ही रहना चाहिए। तो रात इतना लेट हो गए थे गाइस, आगे हमने वीडियो बनाया ही नहीं, और इतने थक गए थे ना आते ही, क्योंकि हम सुबह 4 या 5 बजे कमरे पहुंचे थे। कमरा भी बड़ी मुश्किल से मिला था, क्योंकि यहाँ ना वीकेंड है, एक तो कल दशहरा था, आज सैटरडे है, कल संडे है, तो पूरा नैनीताल ना पैक है बिल्कुल। अब हम जहाँ से चल रहे हैं, और मैं जो वीडियो देख रहा था तो देखा मैंने यार एंड तो किया ही नहीं ब्लॉग, तो मैं एंड करता हूँ, आगे का ब्लॉग इसके आगे जर्नी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए तब तक के लिए बाय बाय।